डीडीयूपी को परवाह है, स्वास्थ्य की हम लाए हैं सेहत आपकी। आपके फोन इन लाइव हेल्थ शो के कार्यक्रम यानी सेहत आपकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम सभी स्वस्थ होना चाहते हैं और स्वस्थ होने के लिए हम तमाम प्रयत्न भी करते रहते हैं और यही कोशिश होती है आपके खास कार्यक्रम सेहत आपकी। आज हम आपकी सुंदरता के विषय में विचार करेंगे और आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, क्योंकि सुंदरता हमारी आम तौर पर हम चेहरे से जुड़ी हुई होती है और लोग उसके लिए ज़्यादा फोकस भी करते हैं। आज हमारा विषय है मुहासों का होम्योपैथिक उपचार। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे आमंत्रित होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर उमंग खन्ना। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। दर्शकों, जैसा कि पिंपल्स के बारे में यानी कि मुहासों के बारे में यानी कि एक्ने के बारे में हम सभी बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन इसके क्या क्या वजह हो सकती है और साथ ही साथ क्या इसका होम्योपैथिक चिकित्सा में भी निदान है, आइए जानते हैं हम अपने पहले सेगमेंट डॉक्टर के साथ में। जी, होम्योपैथी में मुहासों यानी एक्ने यानी पिंपल्स का निश्चित इलाज है। ये एक ऐसी समस्या है जो हम सबके जीवन में उम्र के किसी पड़ाव में आती ही है और हम इससे परेशान रहते हैं। हम इससे मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं, आर्थिक रूप से भी हनन होता है और हम चिंतित रहते हैं। होम्योपैथी में एक्ने का बहुत अच्छा इलाज है और निश्चित इलाज है, परमानेंट इलाज है। उसके लिए आप ये समझ लें एक्ने होता क्या है। जब आप ये समझ लेंगे एक्ने होता क्या है तो आप उसका निदान कर लेंगे। इस कार्यक्रम में आपको बताया जाएगा और आप एक्ने यानी पिंपल से छुटकारा पा जाएंगे। बस आपको जरूरत, सबसे बड़ी प्रोग्राम को मैं रेखांकित कर दूं, आपका खान पान और रहन सहन, लाइफ स्टाइल अगर ठीक है तो आपका एक्ने पिंपल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप इतनी बातों का ध्यान रखें, आप एक्ने, मुहासों, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये जो भी टर्म आपके जहन में आते हैं, दिमाग में आते हैं, उन सब से आप ठीक होके आपका चेहरा फ्लॉलेस, साफ और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको महसूस होगा। एक्ने साथियों, एक्ने में एक बहुत विशेष बात होती है, बस वो आपको समझने की जरूरत है और वह है आपके फेस के रोम छिद्र। इस प्रोग्राम में आपको इसके विषय में बताया जाएगा और आप उसको, रोम छिद्रों को अपने केयर करके आप अपने एक्ने को ठीक रख सकते हैं। दर्शकों, कई बार लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि मुहासे सिर्फ उम्र की वजह से आते हैं हमारे चेहरे पर, लेकिन इसकी कुछ खास वजह भी हो सकती हैं, कुछ खास कारण भी हो सकते हैं। इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ आपको पूरी तरीके से होम्योपैथिक निदान भी मिलेगा। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने अगले सेगमेंट हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में एक बार फिर से हम आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज का हमारा विषय है मुहासों का होम्योपैथिक उपचार। जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर उमंग खन्ना। दर्शकों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बस आपको हमारे फोन नंबर नोट करने होंगे और डायल करने होंगे ये नंबर। तो नोट करें हमारे ये फोन नंबर, हमारा फोन नंबर है 0522। जी, एक बार फिर से आप ध्यान दें, टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं 0522-2288-698। दूसरा नंबर है 0522-220-5756। हमारा अगला नंबर है 0522-401-5988। दर्शकों, ये नंबर आप नोट कर लें और हमें डायल करें। बस डायल करते वक्त इतना ख्याल रखें कि आप अपने मोबाइल सेट को अपने टीवी सेट से दूर रखें या फिर टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके बात करें। दर्शकों, हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी कॉल्स का स्वागत करते हैं। उससे पहले हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब, पिंपल्स के लिए बात की जाती है तो आखिर क्या क्या खास से पिंपल्स के रूप होते हैं, पहले आप इनके बारे में बताएं। जी हाँ, पिंपल्स के अनेक रूप होते हैं जिसको हम लोग वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, एक्ने, पिंपल्स इसके रूप में जानते हैं जी। अब एक बात आपने उठाई थी अभी
कि उम्र के किस पड़ाव में ये हो सकते हैं, क्या इसका कोई पड़ाव है? जी नहीं, इसका कोई पड़ाव नहीं है, या किसी भी पड़ाव में हो सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें इसके कारण में जाना चाहिए। एक्ने होता क्यों है भाई, पिंपल्स क्यों होता है? पिंपल्स का सबसे बड़ा कारण, जो एक कारण सबसे बड़ा है, वह है जो आपके ये फेस पोर होते हैं। हम लोग का जो स्किन होती है इसमें फेस पोर होते हैं। इन फेस पोर के रोम छिद्रों के अंदर हेयर की फॉलिकल होती है, उससे जो है आपके सीबेशियस ग्लैंड्स ऑयल सिक्रीट करते हैं। वक्त के साथ होता क्या है, आजकल जो स्तर है पॉल्यूशन का, उसमें होता क्या है, आपके जो रोम छिद्र होते हैं यह ब्लॉक हो जाते हैं। जब इसमें ऑयल सिक्रीट होता है तो यह ब्लॉक हो जाते हैं, और जब यह ब्लॉक होते हैं तो इसमें बैक्टीरिया डस्ट करने लगता है। जब यह बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगता है तो वही स्थिति एक्ने की होती है। ओके डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है और इनकी कॉल को भी मैं अटेंड करना चाहेंगे। हेलो 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 हाँ मैम जी हेलो, हमें आपकी आवाज अभी नहीं मिल रही है जी, कृपया आप लाइन पे बने रहें। हेलो हाँ हाँ सुनाई दे रही है मेरे को। हेलो डॉक्टर साहब, आपकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच रही है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि पिंपल्स की बात अभी आपने कहा कि प्रदूषण की वजह से भी होता है पिंपल्स, और इसके साथ में और भी कारण होंगे उसके। डॉक्टर साहब देखिए, शायद कॉलर की आवाज हम तक पहुंच जाए। हेलो हाँ मैम हेलो 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 जी, सवाल बताइए, क्या जानना चाहेंगे आप? जी मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ और मुझे क्लास 9 में पिंपल्स आ गया, तो उसको ठीक कैसे करूँ मैं? जी हाँ, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया भाई साहब। पिंपल्स आपके जो आ गए हैं उसको आप बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे हम अभी इसका कारण आउटलाइन कर रहे थे, आप अपने चेहरे को 5 बार धोना शुरू कर दीजिए, यह है बात नंबर 1। जब आप 5, ये तमाम दर्शकों के लिए हमारे है, जब आप चेहरे को 5 बार धोने लगेंगे तो आपका जो फेस पोर होता है यह ब्लॉक नहीं होगा। जब यह ब्लॉक नहीं होगा तो इस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो आपके पिंपल्स धीरे धीरे जाने लगेंगे। अब इसमें 3 परिस्थितियां आती हैं आपके पिंपल्स में, जैसा हम समझ पा रहे हैं आपको 9th क्लास से, तो मवाद या पस पड़ सकता होता है। तो यदि आपके पिंपल्स में पस पड़ रहा है, मवाद पड़ रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी दवा है एंटिम क्रूड। आप नोट कर लें, एंटिम क्रूडम 30। अगर आपके चीक्स पे पिंपल है, अगर किसी भी हमारे दर्शक गण के गालों पे पिंपल्स है, तो एंटिम क्रूड उनकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। इस दवा को 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 महीने तक लेके अपने पिंपल्स को खत्म कर सकते हैं। और यदि आपके माथे पे पिंपल्स आ रहे हैं तो उसकी दवा भी नोट कर लें हमारे दर्शक, दवा है नेट्रम म्यूरेटिकम। तो इससे आपके फोरहेड पे, माथे पे जो पिंपल्स आ रहे हैं यह भी खत्म हो जाएंगे, और आप अपने को ज्यादा कॉन्फिडेंट और इस समाज से लड़ने के लिए ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। और अब देखिए हमारे साथ अगले कॉलर हैं, उनका भी कोई प्रश्न है हमारे साथ। हेलो 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 जी मैम नमस्ते। जी नमस्ते, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैम, मेरे को मैम, मैं अभी 12th क्लास में हूँ और मेरे को जो है मेरे को लग रहा है जो फेस है वो ब्लैक हो रहा है और पिंपल्स भी निकल रहे हैं मैम। जी पिंपल्स की समस्या है इनको भी, और पिंपल्स का भाई साहब हम आपको बताते हैं। देखिए पिंपल्स की समस्या, पहला हमने रीजन आउटलाइन कर दिया। दूसरी परिस्थिति जो आपके होगी वो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स। आप पहले ये समझ लें कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स में क्या होते हैं। इस प्रोग्राम का प्रयास ये भी है कि सारे मेडिकल टर्म्स आपको मालूम हो, जब आप उसका अवेयर रहेंगे तो आप इलाज कर लेंगे। ब्लैक हेड्स वो होते हैं जब आपके यही फेस पोर ब्लॉक होता है और उस पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ब्लैक पिगमेंटेशन आ जाता है, और यह स्किन की ऊपरी सतह पर होता है। और जो व्हाइट हेड्स होता है वो स्किन की अंदर की सतह पे होता है। तो जो आपके पिंपल्स हैं वो इन्हीं दो में से एक तरह के होंगे। तो हम जैसे आपको दवा बता रहे हैं, इसमें एक और स्थिति आती है जो अगर आप अपने से इसको कोरिलेट कर सके, अगर आपका पेट खराब रहता है, पेट में गैस बनी रहती है और चेहरा गंदा हो गया, उस पर पिंपल्स आ गए, एक्ने आ गए, मुहासे आ गए, अगर यह स्थिति है तो आपके लिए सबसे अच्छी दवा लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। जो हमारे दर्शक थोड़ा होम्योपैथी से
इंट्रोडक्शन होगा, जिनका रूबरू रहे होंगे वो जानते होंगे, लाइकोपोडियम पेट और गैस गुड़वाहट की दवा है, लेकिन यही दवा अगर यह सिम्टम है तो आपका चेहरा भी साफ कर देगी। तो आपके लिए दवा कैसे लीजिए डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए। हाँ, लाइकोपोडियम क्लेवेटम ये 30 पावर में आप ले लें, दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, 1 महीना तक लें। आपके चेहरे पे जो पिंपल्स हैं जिसके लिए आप जानना चाह रहे थे, जिनसे वह भी चले जाएंगे, और आपके चेहरे पे जो उसके निशान हैं ब्राउन पिगमेंटेशन या ब्लैक पिगमेंटेशन हो गया, वह भी चला जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। डॉक्टर साहब जब भी बात होती है, हर उम्र की बात होती है कि पिंपल्स हर उम्र में हो सकते हैं और हर कारण से हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ में भी जब हम बात करते हैं कुछ युवाओं की तो उनको ज़्यादा चिंता होती है और वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मेडिकल जितने भी ड्रग्स आते हैं उनका इस्तेमाल करने लगते हैं, बहुत सारी क्रीम यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अपने प्रश्न को हम यहीं पर ही विराम देते हुए और अपने एक कॉलर हैं नेहा जी, इनका कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। जी नेहा जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे चेहरे पे फोर ईयर 4 साल से कार्य उतर गए हैं और अपने बहुत सी दवाई की पहले। अच्छा अच्छा, कोई बहुत सारी दवाई इन्होंने की है, 4 साल से इनको परेशानी है। आप निश्चित रूप से सही हो जाएंगी नेहा जी। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई क्रीम आपको सही नहीं कर सकती, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। जो भी आप क्रीम लगाएंगी वो आपके फेस पोर को ब्लॉक करेगी, और जब आपका फेस पोर ब्लॉक होगा तो आप सोचिए आप ठीक कैसे हो पाएंगी। तो पिंपल्स में किसी क्रीम का सहारा न लें, आप बस चेहरे को साफ रख सकें जिससे कि आपका जो ग्लैंड से ऑयल सिक्रीट हो रहा है वह पोर में इकट्ठा ना हो और आप ठीक रहें। उसके अलावा जो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरक्षण संरक्षण और प्रेरणा में यह योग का जो कार्यक्रम चल रहा है, आप प्राणायाम करें। प्राणायाम आपके अंदर की सारी विकार को बाहर ला के ख़त्म कर देता है। आप इसको करें, अपने खान पान को अच्छा करें, और महिलाओं में अगर आपकी विवाहित हैं तो अगर उसके बाद ये समस्या है तो आपकी दवा कैल्केरिया कार्बोनिकम है। कैल्केरिया कार्ब 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार हर वो महिला ले सकती है जो कि थोड़ा सा जिसका शरीर भारी हो, गोरा हो, इसको होम्योपैथी में कहते हैं फेयर फैट एंड फ्लैबी। अगर वैसी समस्या हो, प्रेगनेंसी के बाद आपके पिंपल्स बढ़े तो कैल्केरिया कार्ब आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। और यूं है तो नंबर एक दवा एंटीम क्रूडम है, आप एंटीम क्रूडम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार लेके लाभ प्राप्त कर सकती हैं। जी शुक्रिया नेहा जी। डॉक्टर साहब यहाँ पर आपने बताया कि महिलाएं जो शादीशुदा हैं उनको अगर ये समस्या हो रही तो आपने दवा बदल दी, तो उसके मतलब कि कहीं ना कहीं से कुछ हार्मोनल जो चेंजेस होते रहते हैं, डिसबैलेंस होते रहते हैं, उसका आपने यहाँ पे जिक्र किया। डॉक्टर साहब इसके बारे में कुछ? हाँ, ये निश्चित रूप से कारण है। जैसा पहला कारण हमने आउटलाइन करा, आपका फेस पोर ब्लॉक हो गया। दूसरा कारण आपने जो उठाया बिल्कुल सही है मैम, वो है हार्मोनल चेंज। हार्मोन्स जब चेंज होते हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन, यह तीनों हार्मोन चेंज होते हैं, और यह जो बैलेंस होता है ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। उसी प्रभाव में आपके मुहासे भी आते हैं और वह होते हैं। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी किसी को भी अगर मुहासे हो रहे हैं तो कैल्केरिया कार्ब उनकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसी तरह अगर कोई महिला है जो अविवाहित है लेकिन वो दुबली पतली है, थिन है, होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन का एक रोल होता है, दुबली पतली महिला है तो उसके लिए दवा सीपिया है। सीपिया के मरीज थोड़ा, उसको रोना बहुत जल्दी आ जाता है, थोड़ा सा वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, दुबला पतला होता है और महिला होती है जी। उनके लिए सीपिया ड्रग ऑफ द चॉइस है जी। और इसी श्रृंखला में एक तीसरी दवा जोड़ दूं, अगर आपका पेट खराब रहता है, इनडाइजेशन आपके है और आप अपने को चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, थोड़ा सा इरिटेबल महसूस करते हैं, तो आपके लिए ड्रग ऑफ द चॉइस है नक्स वोमिका। जी हम सब जानते हैं यह पेट के लिए होती है लेकिन यह मुहासों की बहुत अच्छी दवा है अगर आप थोड़ा इरिटेबल अपने को फील करते हैं। जी बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक दवा कई मर्ज को भी दूर कर सकती है। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर है और उनकी कॉल को हम अटेंड कर रहे हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहेंगे। थैंक यू मैम। मैम मेरा नाम सौरभ पाठक है। जी मैम मेरा प्रश्न है, जी चेहरे पर पिंपल्स के कारण जो छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं उससे निजात पाने के लिए क्या होम्योपैथ में उचित उपचार उपलब्ध है? मैम मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। चेहरे पर पिंपल्स के कारण जो छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं उससे निजात पाने के लिए क्या होम्योपैथ में उचित उपचार उपलब्ध है? कृपया इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। थैंक यू मैम। धन्यवाद आपकी कॉल का भी। बहुत अच्छा सवाल उठाया भाई साहब।
जितना साफ आपने सवाल उठाया मैं उतना ही साफ आपको जवाब दे रहा हूं। और जवाब है इसका साइलिसिया। जी हाँ, ये निश्चित दवा है आपके फेस पोर को खत्म कर देने की, चेहरे पे जो गड्ढे हुए हैं जहाँ पे टिश्यू लॉस हुआ है उसको खत्म कर देने की। आपको करना ये है साइलिसिया 30 पावर में आप ले लें, दो दो बूंद दिन में 3 बार, 1 महीना से 3 महीने के बीच ले लें। आप देखेंगे कि आपका सारा फेस पोर जो है वह भर गया, जितना गड्ढा है वो खत्म हो गया, आपकी स्किन फ्लॉलेस हो गई। जी बहुत बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा था और अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब यहाँ खान पान से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं होती हैं जिसमें आपने जैसे बताया कि किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल है तो भी इसमें एक दवा है जो आपके मुहासे को भी काम करेगी और आपके पेट को भी सही रखेगी। तो ऐसे ही हमारे खान पान से जुड़ा हुआ ये मुहासे का रोल है, यहाँ पर आप बताइए कि खान पान में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग ज़्यादा या अधिक लेते हैं जिसकी वजह से मुहासों का सामना करना पड़ता है। देखिए खान पान के लिए हम सब जानते हैं, एक होते हैं लाइफ फूड्स। लाइफ फूड्स वो होते हैं जिनको आप जब फसल से निकाल देते हैं तब भी उनमें ग्रोथ होती है, जैसे कि बीन्स हो गई, लीफी वेजिटेबल्स हो गई। और एक होता है बर्गर। जी बर्गर या तमाम उस बिरादरी के लोग, यानी आपका इशारा है कि हम जंक फूड को अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें और लाइफ फूड्स खाएं जो जीवित फूड है जिसमें स्प्राउट्स। अब जाड़े का समय आ रहा है, विंटर्स का सीजन है, खूब अच्छी सब्जियां आएंगी। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी सब्जी है मिक्स वेज। हाँ, सारी सब्जियां लें, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है उनमें कौन सी सब्जी डालें, लेकिन सारी लीफी वेजिटेबल्स लें और उसको मिक्स करके एक सब्जी तैयार करें, वो आपके चेहरे पे चमक लाएगी और आपको बेहतर बनाएगी। ओके डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है। हेलो जी बताइए, प्रश्न पूछिए। जब मैं क्लास 7th में था तो हाँ, मेरे मुंह पर पिंपल पड़ गए और हाँ बीच में अट जाते हैं और मैं 9th में हूं, वे अभी तक है, बीच में 2-3 बार अटे हैं। ओके बिल्कुल, आपकी जो ये समस्या है बिल्कुल बात आपकी ठीक है, ये 10th में ही 9th में ही हमारे दर्शकों को समस्या आती है, लेकिन ये उतनी ही जल्दी आपकी समस्या सही हो जाएगी जितनी जल्दी आप अपने चेहरे को साफ कर लेंगे। और जैसा बात उठाई अभी मैडम ने, आप अपने पेट को साफ कर लेंगे, डाइजेशन अगर आपका सही रहेगा तो आपका चेहरा चमकेगा, क्योंकि 80% शरीर की दिक्कतें, अबाउट 80% आपकी जो तकलीफें होती हैं 80% वह जो है पेट की खराबी से होती हैं और चेहरा उसमें से सबसे टॉप लिस्ट में आता है। इसकी 4-5 है, मैं अपने दर्शकों के लिए श्रृंखलाबद्ध कर देता हूं, उनको ये दिक्कत हो तो वो ये ले लें। देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमें, हमारी महिलाएं जिनका पेट खराब है, इनडाइजेशन है। मैं महिलाओं की इसलिए बात कर रहा हूं कि ये जो है $1 बिलियन इंडस्ट्री में अपना योगदान करती हैं, जाके पैसा, जो पैसा बच्चे की तालीम में लगना चाहिए वो पैसा ये कंपनियों। तो जो है आप, अगर आपका पेट खराब है और आपके मुहासे निकल रहे हैं तो इसकी नंबर एक दवा होम्योपैथी में है ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका पेट यानी ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, आपको जो है कब्जियत है, वहां भी खत्म हो गई और आपका चेहरा भी चमकने लगा। दूसरा भी मैंने कहा नक्स वोमिका, अगर आप अपने को थोड़ा चिड़चिड़ेबद्ध श्रेणी में रखती हैं और पेट खराब रहता है तो आपकी दवा नक्स वोमिका है। तीसरी दवा हो गई लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ये सब 30 पावर में आप ले सकते हैं दिन में 3 बार, जितनी दवा है सबकी डोज एक ही है। जब आपके पेट में गुड़गुड़ाहट और गैस हर समय बनी रहती हो। और चौथी दवा आपके फेस को साफ करने की है एलुमिना। एलुमिना उस स्थिति में बहुत अच्छी दवा है, 30 पावर में 2-2 बूंद। जब आपको कई दिन तक मोशन नहीं होता है, लार्ज स्टूल आपकी इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके बाद आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन मोशन होता है, क्योंकि कब्जियत का मैं परिभाषा भी बता देना चाहता हूं, कब्जियत होती क्या है, अगर आपको हफ्ते में 3 बार से कम मोशन हो रहा है तो उसको कब्जियत कहते हैं। जी हमारे दर्शक ये जान लें, कब्जियत कभी कभी उन्हें कब्जियत नहीं होती लेकिन वो अपने को कब्जियत वर्ड से जोड़ लेते हैं। कब्जियत वो स्थिति होती है जब आपको एक हफ्ते में 3 बार से कम मोशन हो, तो एलुमिना उसमें आती है। जब आपको हफ्ते में 1-2 बार मोशन हो रहा है और लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ स्टूल हो रहा है तो एलुमिना है। और एक स्थिति आती है कि 15 दिन में 1 बार मोशन जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, तो उसकी दवा एस्टेरियास रूब्रेंस है। एस्टेरियास रूब्रेंस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि 15 दिन पुरानी कब्जियत भी सही हो गई और जब कब्जियत सही होगी तो आपका चेहरा जो आप लोग फिल्म स्टार देखते हैं उनके जैसा चमकने लगेगा। डॉक्टर साहब सभी उम्र के लोग ले सकते हैं इन दवाओं को? जी हाँ, निश्चित रूप से 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के वृद्ध तक इन दवाओं को ले सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा, जैसे हम दवा तो आपको बता रहे हैं, ये आपकी जानकारी के लिए है, ये शरीर है, इसमें बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, तो एक बार कुशल चिकित्सक की राय भी अवश्य लें।
जी, उम्मीद है कि हमारे सभी कॉलर सुन रहे हैं, उनको फायदा जरूर होगा इन दवाओं से भी और बातों से भी। डॉक्टर साहब यहाँ पर जबकि हमने बताया कि किशोर अवस्था, डॉक्टर साहब यहाँ पर हमारे कॉलर हैं, उनकी कॉल को पहले अटेंड करते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्कार जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे। मैडम ये मुहासे के लिए होम्योपैथी की दवाई कितने दिन तक लेनी पड़ेगी? ओके, मुहासे के लिए भाई साहब होम्योपैथी की दवा तब तक ले लीजिए जब तक आपका मुहासा ना सही हो जाए, और ये आप जान लीजिए निश्चित रूप से आपका मुहासा जल्दी से सही हो जाएगा अगर आप प्रोग्राम में इतनी दवाएं और इतने सिम्टम बताए जा रहे हैं आप इनको सुन रहे हैं। अगर आपका कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप बताएं, हम उस पर आपको जो दवा पॉसिबल है वो राय देंगे। जी, कुछ और जानना चाहेंगे? शायद इनकी फ़ोन कॉल कट गई है। डॉक्टर साहब यहाँ पर किशोरावस्था की सिर्फ बात नहीं है कि आपने जैसे बताया कि सिर्फ उम्र से ही संबंध नहीं है कि मुहासे होना, यहाँ पर जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है जिन लोगों को कभी कभी होता है कि पेरेंट्स को भी होता है और ये समस्या बच्चों को भी होती है, तो क्या ऐसा जो जेनेटिक प्रॉब्लम है इसको कम किया सकता है होम्योपैथिक उपचार? निश्चित रूप से आप अपने लाइफ स्टाइल से इसको कम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ स्टाइल है, आप अपने लाइफस्टाइल से समस्या को खत्म कर सकते हैं, और लाइफस्टाइल में जो हमने बताया वही सब है। चेहरा साफ रहना चाहिए, आपको अपने पोर को ब्लॉक होने से बचाना है, यही एक सेंट्रल पॉइंट है जिसको करके आप 4000 का ट्यूब लगाए बगैर जी चमक सकते हैं। रह सकते हैं जी, बिल्कुल। और दर्शकों अब हम उस पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जी हाँ, अगला सेगमेंट है हेल्थ टिप्स का। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और मैं भी इस सेक्शन का इंतजार कर रहा था अपने दर्शकों को बताने के लिए। इसका सबसे बड़ा थीम है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अपनी समस्या को प्रिवेंट कर रहे हैं तो आप बचाव ही सबसे अच्छा समाधान है। और बचाव आप कैसे करें कि आपके पिंपल्स ना हो? सबसे पहले और सबसे अहम, आप चेहरे को साफ रखें। चेहरे को जब आप साफ रखेंगे तो आपका पोर ब्लॉक नहीं होगा और आपके पिंपल्स नहीं होंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। दूसरी बात हो गई कब्ज, आप अपने को कब्ज में ना रहने दें। कब्ज से पिंपल के साथ साथ 80% रोग आपके कब्जियत से ही होते हैं, तो आप कब्ज को ना होने दें। ये हो गई बात नंबर दो। तीसरी बात, आजकल के दौर में हम लोग इतनी आपाधापी में मेहनत में पानी पीना भूल गए। जब पानी हम लोग नहीं पिएंगे तो भी आप समझें कि आप एक्ने या पिंपल्स के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आप बॉडी को प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने पानी बहुत पीना है। चौथी बात हो गई लाइफ फूड्स, आपको लाइफ फूड्स खाने, जीवित 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 आपको लेने हैं, जिसमें कि स्प्राउट्स अहम है। सुबह पूरा घर एक रूटीन बनाए कि वो स्प्राउट्स ले। पांचवी बात हो गई योग, योग बहुत आवश्यक है और सुबह 5 बजे उठ के आप लोग योग अवश्य करें। छठी बात हो गई जो आपके चेहरे की चमक और पिंपल्स, क्योंकि जिसको पिंपल्स होते हैं वो चेहरे की चमक भी चाहता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए। जो हमारी जठर अग्नि होती है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में सिक्रीट हो रहा है, उसको हम पानी पी के डाइल्यूट कर देते हैं, और पानी पी के जब उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो आपके चेहरे पे चमक और पिंपल्स कैसे बचेंगे। छठी बात मैं कहना चाहूंगा कि पिंपल्स का कुदरत में बड़ा अच्छा समाधान है, आप उन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गई, गुलाब जल हो गया। और एक मैं आपको जादुई नुस्खा बताना चाहता हूं। अभी एक दर्शक का सवाल था कि चेहरे पे निशान और गड्ढे उनको कैसे खत्म करें, मैं आपको जादुई नुस्खा बताना चाह रहा हूं। आप जो है आप थोड़ा सा दही लीजिए, दही में थोड़ा शहद डालिए, बराबर आधी दही का आधा शहद डालिए दही में, दोनों चीजों को आपस में मिक्स करके उसको चेहरे पे आप 15 मिनट लगा लीजिए, और जिनकी स्किन ऑयली है वो उसमें थोड़ा सा लेमन भी डाल लें, नींबू भी डाल दें, इसको आप चेहरे पे 15 मिनट लगा लें। आप देखेंगे 15 मिनट बाद आप चेहरा धोएंगे, और ऐसा आप एक हफ्ता तक करेंगे, आपके चेहरे पे निशान भी नहीं रहेगा, पिंपल भी नहीं रहेगा, और चेहरे की जो चमक खत्म हो गई है वह भी ठीक हो जाएगी। फिर बात आती है इसके बाद कि अगर आपके पिंपल्स हैं तो आप अपनी जो दिनचर्या होती है, ये सब बातें कनेक्टेड है, क्योंकि शरीर आपका एक मशीन है, मशीन में हर चीज को आपको ठीक रखना है।
तो आप अपनी दिनचर्या को रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना शुरू करें। अगर आप ये सब चीजें कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका पिंपल्स और एक्ने से आप हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। और साथ में होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, आप इनको करें और सब चीजें मिलकर आपको ठीक कर देंगी। और एक चीज और साथियों, सांस गहरी लें। जब आप सांस गहरी लेते हैं तो आपका जो बॉडी की इम्प्योरिटीज होती हैं, कुदरत उसको बाहर की तरफ निकालती है। यहाँ आप आयुर्वेदा अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो आप आयुर्वेदा में अध्ययन करेंगे तो इस चीज को आप जानेंगे। तो आप गहरी सांस लेना शुरू करें, तब भी आपके जो है यह पिंपल्स खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा मसूर की दाल इसके लिए बहुत अच्छी एक घरेलू नुस्खा है। आप मसूर की दाल को शहद मिला के और दूध में मिला के चेहरे पे लगा लें, इससे भी आपके निशान चले जाएंगे। और पिंपल्स अगर हैं तो आलू का रस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू का, ये सब चीज़ें वो हैं साथियों जो हमारे घर में मौजूद हैं और एक रुपए से कम की हैं। तो अगर हमारे सारे दर्शक कच्चा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे पे, कच्चा दूध और शहद, तो भी आपके सारे पिंपल चले जाएंगे। क्योंकि कच्चा दूध वो औषधि है जो आपकी सारी इम्प्योरिटी को, और मैं आपको उसका साइंटिफिक बात भी बताना चाहता हूं, कच्चे दूध का सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। जिस चीज का सरफेस टेंशन कम होगा, अगर जो लोग हमारे फिजिक्स को जानते हैं बच्चे लोग, तो जिसका सरफेस टेंशन कम होगा वो चीज उस इम्प्योरिटी को आपकी स्किन से ज्यादा आसानी से निकाल देगी। तो आप कच्चे दूध को अगर चेहरे पे लगाते हैं या आलू का रस लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सारी इम्प्योरिटी निकल जाएगी और आप अपने को बेहतर कॉन्फिडेंट और इस क्षमता से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी हमारे सभी दर्शकों को। और निश्चित रूप से हमें दर्शकों की जो प्रतिक्रिया है वो यही होगी कि जो उनकी समस्याएं हैं उसका निदान मिल चुका है। तो अब डॉक्टर साहब, आपके स्टूडियो में आकर कितनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम कोई भी परेशानी हो उसका सामना आराम से कर सकते हैं। बस एक हमें आदत डालनी चाहिए खुश रहने की, और जब हम खुश रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर होने लगती हैं। अब वक्त हो चुका है कि हम आपसे आज के कार्यक्रम में यहीं पर ही अनुमति लें। तो अब हम और हमारी पूरी टीम आपसे आज्ञा चाहती है आज के लिए, और आप देखते रहिए DDUP अपने यूट्यूब चैनल पर भी, और साथ ही साथ DDUP पर भी अपने कार्यक्रम सेहत आपकी को, क्योंकि DDUP को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। नमस्कार।